हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस यार, आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है ट्रैक्टर ट्रॉली सिमुलेटर। तो गाइस यार, इस गेम में हमें बेसिकली करना क्या होता है कि ना, हमारे ट्रैक्टर में पीछे लगे हुए ट्रेलर में सारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना पड़ता है। यानी गाइस, हम ना बेसिकली जॉब ही इसी चीज़ का करते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ना लोड करके पहुँचाना पड़ता है और हमें पैसा मिलता है इसी चीज़ के लिए। तो गाइस यार, एंड तक बने रहना। अगर गाइस यार आपको आज की गेम प्ले वीडियो हल्की सी भी पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और नीचे प्यारा सा एक रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन होगा तो उसको कर देना क्लिक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यार, जैसे कि देख रहे हो, अभी हमारा इस गेम का पहला टास्क स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार, अभी हम ना ट्रक के ना ड्राइवर है। तो हाँ, अभी मेरे को ना इन सारे सामान को ना एक पहले से दूसरे पहले से ना छोड़ कर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस, हम ना इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस, अभी ना सबसे पहले ना मैं अपने ट्रैक्टर को ना ड्राइव करने वाला हूँ विद बॉक्सेस के साथ। और गाइस, मेरे बगल में कितनी प्यारी रिवर है। तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा मस्त बात है इस गेम का। तो हाँ, अभी मेरे को यहाँ से स्ट्रेट जाना है गाइस। तो गाइस यार, जैसे कि देख रहे हो कि मेरे आगे में कितना प्यारा सा एक सन खिला हुआ। और गाइस, कितने भयंकर भयंकर ट्री है इस गेम में। तो हाँ, इस गेम में ना गाइस यार नज़ारा काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस, मेरे को ना अभी यहाँ से ना एकदम ना धीरे धीरे यू टर्न लेना है। और गाइस यार, ये जो गेम है ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें जो रास्ता है ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं रिवर्स कर लेता हूँ। अभी मेरी ना ट्रैक्टर ना काफ़ी ज़्यादा अटक गया था आगे में। तो हाँ, मेरे को ना इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरीके से ना फॉलो करते हुए अभी ना अपने ना ट्रैक्टर को ना गाइस एकदम स्ट्रेट भगाना है। तो हाँ, और गाइस यार, जैसे कि देख रहा हूँ कि मेरे आगे में ना भाई स्टोन है। तो मैं ना एकदम किनारे से मोड़ूंगा अपने ट्रैक्टर को और एकदम धीरे धीरे अपने ट्रैक्टर को ये लो, इसकी भैंस की टांग। ये क्या हो गया? ओए यार। तो गाइस यार, जैसे कि देख रहे हो, मैंने दोबारा से अपने मैच को रीट्राई कर लिया। अब गाइस, मैं ना उन बातों को अच्छी तरीके से ना ध्यान रखूंगा जो मेरे साथ ना अभी थोड़ी देर पहले हुआ। तो हाँ, अभी मेरे को इतना समझ में आ गया है कि जब भी गाइस ना रास्ते के तरफ ना स्टोन आएंगे बड़े बड़े, तो मेरे को ना वहाँ पर ना अपने ना स्पीड को काफ़ी ज़्यादा ब्रेक मार कर रखनी है और काफ़ी ज़्यादा स्लो करके चलाना। तो हाँ, अभी मेरे को ना यहाँ से एकदम ना लेफ्ट टर्न लेना। और गाइस देख रहे हो, अभी ना कितने ज़्यादा हमारे बॉक्सेस ना उबड़ खाबड़ में चल रहे। तो हाँ, मेरे को एकदम धीरे धीरे चलाना गाइस। जैसा कि देख रहे हो, यहाँ से एकदम धीरे धीरे भगाना, एकदम धीरे धीरे। तो हाँ, मेरे को ना इन सब बातों को एकदम धीरे धीरे तरीके से ना ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ, अभी जैसा कि देख रहे हो गाइस यार, देख रहे हो कितनी तेज़ी से उछल रहे थे बॉक्सेस। तो मैंने ना अभी अच्छी तरीके से ना यहाँ पर क्लियर कर लिया। और गाइस यार, आगे मैं देख रहा हूँ कि यू टर्न आ रहा है। तो मेरे को ना यहाँ से ना धीरे धीरे अपने ना ट्रक को ना यू टर्न लेना पड़ेगा। और गाइस, जैसे कि देख रहे हो कि नज़ारा कितने ज़्यादा मस्त है इस गेम में। और गाइस देखो, मेरे बगल में डार्क ट्री है और बगल में सिंपल ट्री है। तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा मस्त बात है इस गेम की। और गाइस, अभी देखो भाई, हमारे सामने में कितने बड़े बड़े ना माउंटेन आ रहे। तो मेरे को ना इस माउंटेन पे ना यू टर्न लेना पड़ेगा अपने ट्रक को। तो हाँ, और गाइस यार, मेरा जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ना भाई डेंजरस लग रहा है इस गेम में। तो हाँ, ये भाई, ये सब चीज़ तो बेनिफिट। अरे गाइस, जैसे कि देख रहे हो गाइस, मैंने ना स्पीड को डाउन कर लिया स्टोन पे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि गाइस ना ठुकने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हाँ, अभी मैं पता नहीं कहाँ अटक गया। तो मैंने अपने ट्रक को रिवर्स कर लेता हूँ और मेरे को ना एकदम सिंपल तरीके से ना अपने ट्रक को ना दौड़ाना है। तो हाँ, मेरे को ना इन सब बातों को ना धीरे धीरे ना ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे को ना अभी ना स्ट्रेट जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि गाइस इस गेम में ना हमें ना बेसिकली ना बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है। और गाइस, मैं बता देता हूँ कि लिमिटेड टाइम यानी बहुत कम से कम टाइम मिलता है। जैसे कि देख रहे हो, मेरे स्क्रीन पे 3 मिनट शो हो रहा होगा। तो मेरे को 3 मिनट के अंदर अंदर में ना सारे बॉक्सेस को ना अपने नाइबर के ना हाउस ना छोड़ कर आना पड़ेगा। और आज का इनकम देखेंगे कि गाइस हम ना कितने कमाए। तो हाँ, अभी मेरे को ना इन सब बातों को ना अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए ना गाइस, मेरे को ना अभी ना स्ट्रेट जाना। और गाइस, मेरे आगे में देखो कितने बड़े बड़े चट्टान दोबारा से आ चुके। तो मेरे को ना यहाँ से ना लेफ्ट टर्न लेना अपने ट्रक को विद ट्रेलर के साथ। तो हाँ, और गाइस, मेरे ऊपर में देखो कितना बड़ा ना एक चट्टान लगा हुआ, तो ये कभी भी गिर सकता है। तो मेरे को ना गाइस यहाँ से ना जल्दी ना अपने ट्रैक्टर को ना कुत्तों की तरह दौड़ाना है। तो हाँ, मेरे को ना भाई, और गाइस यार, मेरे ना टाइम भी ना काफ़ी ज़्यादा ना कम है। तो हाँ, मेरे को ना ध्यान रखना। और गाइस, मेरे बगल में देखो कितने ज़्यादा पत्थर है। तो मेरे को ना इधर से धीरे धीरे से अपने ना ट्रैक्टर को क्रॉस कराना। और गाइस देखो, मेरे बगल में कितनी बड़ी खाई है, वो भी रिवर के साथ। अगर मैं ना हल्का सा भी अपने ना ट्रक को ना मिस्टेक कर देता हूँ तो गाइस गिरने के चांस हो सकते हैं। तो गाइस यार, जैसे कि देख रहे हो कि हम अपने ना पड़ोसी के घर आ चुके हैं। मेरे को ना यहाँ पर ना सारे के सारे ना सामान को ना पैलेस करना है और देखते हैं आज की हमारी इनकम कितनी होती है। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हो, अभी हमने जिस पर्सन को सारे के सारे बॉक्स डिलीवर किया उससे हमें 200 रुपीज़ का कॉइन्स मिला है। तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट बात है।
तो गाइस जैसे कि देख रहे हो हमारा नेक्स्ट टास्क स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार नेक्स्ट टास्क में हमारे ट्रेलर में कितने सारे गाय हैं, तो गाइस यार अब मेरे को ना इन गायों को ना दूसरे लोकेशन पे छोड़ कर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ना इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। और गाइस यार इस बार का जो लोकेशन देख रहे हो वो बर्फीले इलाके से स्टार्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्नो गिर रहा है, तो हाँ ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात है। और गाइस अभी जैसे कि देख रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही, क्योंकि गाइस ठंडी इलाके में ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी तो लगती है। और गाइस अभी तो गर्मी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रही। और गाइस अभी ना मैंने ना कपड़े भी ना काफ़ी कम पहने हुए हैं, तो हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मेरे को ना एकदम ना धीरे धीरे से ना अपने ना गायों को बिल्कुल भी ना चोट नहीं पहुंचाते हुए अपने ना ट्रैक्टर को ना छोड़ कर आना है, तो हाँ। और गाइस यार आपको पता है मैं ना इतनी तेज़ी से अपने ट्रैक्टर को ना दौड़ा रहा हूँ ना गाइस, बिल्कुल भी ना गाय ना रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हाँ ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है हमारे ट्रैक्टर की। तो अभी मेरे को ना यहाँ से ना एकदम धीरे धीरे करके ना लेफ्ट टर्न लेना। और गाइस मेरे बगल में देखो कितनी भयंकर खाई थी, अच्छा हुआ मैं अभी मरते मरते बचा। अगर गाइस मैं ना हल्का सा भी ना अपने ना गायों को ना डैमेज पहुँचाऊँगा ना, तो गाइस मेरे ना इनकम ना काफ़ी ज़्यादा माइनस हो सकते। तो हाँ मेरे को ना इन सब बातों का ना अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइस मेरे बगल में देखो कितने बड़े बड़े चट्टान और बगल में ट्री है, तो हाँ ये सबसे ज़्यादा मस्त लग रहा है, क्योंकि जितना हमारे नेचर में ट्री रहेंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि गाइस हमें ज़िंदा रहने के लिए ट्री चाहिए, क्योंकि ट्री से हवा आता है, तो हाँ। और गाइस यार जैसे कि देख रहे हो हमारे बगल में भाई कितनी प्यारी सी एक ब्रिज है, मेरे को लग रहा है हमें ना वहीं से अपने ना ट्रैक्टर को ना क्रॉस कराना है अपने गायों के साथ, तो हाँ मेरे को लग रहा है कि उस पड़ोसी का घर ना इसी ब्रिज से होते हुए जाता है, तो हाँ मेरे को यहाँ से ना यू टर्न लेना एकदम धीरे धीरे गाइस धीरे धीरे। तो गाइस अभी ना मैं फिलहाल के लिए बच चुका हूँ गाइस, क्योंकि ना अभी ना मेरा ना ट्रैक्टर ना पलट सकता था, मैं ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड रख चुकी थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी गाइस मेरे को ना इसी ब्रिज से ना अपने ना ट्रैक्टर को ना क्रॉस कराना है। और गाइस यार मेरा जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है गाइस, पता है गाइस इस गेम में मैंने सुना कि अगर ना आप ना एक बार से ज़्यादा ना अपने मैच को बार बार रिट्राई करते हो और अपने टास्क में फेल होते हो ना, तो गाइस हमारा ना पर्सन भाई गुस्से में आ जाता है, तो हाँ इसलिए ना मेरे को ना बिल्कुल भी ना इनको ना गुस्सा नहीं दिलाना और एकदम सही सलामत से ना अपने ट्रैक्टर को ना दूसरे जगह ना जल्दी से जल्दी छोड़ कर आना है। तो गाइस अभी जैसे कि देख रहे हो कि मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है और खूबसूरत सा हो रहा है, तो हाँ मेरे को ना यहाँ से ना एकदम ना यू टर्न लेना एकदम धीरे धीरे गाइस। और गाइस जैसे कि देख रहे हो अभी मैं बच चुका हूँ, और गाइस जैसे कि देख रहे हो मेरे आगे में ना छोटा सा व्यू नज़र आ रहा है विलेजर का या पड़ोसी के घर, तो मेरे को यहाँ पर अपने ट्रैक्टर को ना छोड़ कर आना है। तो हाँ मैं चाहे तो यहाँ से लेफ्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर गाइस मैंने ऐसा किया ना तो मेरा ना टास्क ना फेल हो जाएगा, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे पर ना 4 मिनट बचे हुए हैं, तो गाइस वो ना पड़ोसी सोचेंगे ये 4 मिनट से भी कि अंदर अंदर इससे पहले पहले ही आ चुका है, तो ना पैसे माइनस हो सकते हैं। तो मेरे को ना ये सब चीज़ों को ना अच्छी तरीके से फॉलो करना है। और गाइस मेरे आगे में देखो कितना बड़ा ना टावर सा लगा, तो ना वहाँ से भी ना बंदे सब ना देखते रहते हैं कि हम लोग ना कैसा मिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना उसी हिसाब से ना पैसे मिलेंगे। तो हाँ अभी मेरे को ना यहाँ से एकदम धीरे धीरे गाइस लेफ्ट टर्न लेना है। तो हाँ अभी जैसे कि देख रहे हो कि गाइस मेरे बगल में ना एक ना बड़ा सा ना ब्रिज जैसा ना बैरिकेड बना रखा, कैबिनेट्स बना रखा, तो ना हाँ ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि हमें ना इस कैबिनेट्स के अंदर अंदर चलना है। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए ना मेरे ना पड़ोसी का घर आ चुका है, मेरे को ना यहाँ पे सारे के सारे गायों को रिप्लेस करना पड़ेगा, और देखते हैं आज की इनकम कितनी होती है गाइस। तो गाइस यार जैसे कि देख रहे हो कि जिस पर्सन को हमने छोड़ कर आया उससे हमें ना 300 रुपीज़ मिला है गाइस। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो हमें नेक्स्ट टास्क कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिला हुआ है, हमारे ट्रेलर में काफ़ी सारे सिलेंडर है, तो मेरे को ना इन सिलेंडर को ना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचाना पड़ेगा। तो गाइस अभी तो हम अभी फ़िलहाल के लिए अपने घर पे, तो गाइस ये मेरा ना बेसिकली एक छोटा सा घर है, काफ़ी ज़्यादा ना रेंट पर रहते हैं हम, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो हाँ तो सबसे पहले ना इंजन को स्टार्ट करते हैं गाइस, अभी देखते कि अभी मेरा ना कैसा रूट आने वाला है। तो हाँ अभी गाइस और जैसे कि देख रहे हो कि हमारे ट्रैक्टर से तो ज़्यादा चमक रहा है हमारा सिलेंडर, और गाइस मेरे को इतना तो पता लग गया कि गाइस स्टोन के ऊपर ना सिलेंडर ना काफ़ी ज़्यादा उछलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हाँ मेरे को ना एकदम ना धीरे धीरे से ना अपने ना ट्रैक्टर को ना एकदम स्मूथली तरीके से ना अपने ना पड़ोसी के घर पहुँचाना है विद सिलेंडर के साथ, क्योंकि आज का हमारा ना टास्क बेसिकली यही है। तो हाँ मेरे को ना एकदम ना स्पीड को ना काफ़ी ज़्यादा डाउन कर लेना है, और गाइस जितने भी सिलेंडर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना पलट रहे हैं इधर से उधर, तो मेरे को ना पता चल गया एकदम धीरे धीरे से अपने ना ट्रैक्टर को ना पहुंचाना है। तो हाँ इन सब बातों का ना ध्यान रखते हुए गाइस मेरे को ना यहाँ से ना लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, जिसे यू टर्न कहते हैं बेसिकली।
तो हाँ मेरे और गाइस मेरे बगल में देखो कितने बड़े बड़े चट्टान लगे, और गाइस जिसका डर था वही हुआ कि मेरे आगे में ना एक इतना बड़ा ना पत्थर है, तो मेरे को ना इधर से ना ध्यान से एकदम ना लैंडिंग कराना है, बिल्कुल भी ठोकना नहीं है। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो कि मैंने ना पहला अपना ना पॉइंट ना सही तरीके से ना कम्प्लीट किया है, कि हमने ना एकदम अच्छी तरीके से ना जितने भी थे सिलेंडर के साथ ना पत्थर वो ना एकदम ऊपर से लेकर गए। तो अभी मैंने मेरे को ना सबसे पहले ना अपने ट्रैक्टर को ना स्पीड देना गाइस, और जैसे कि देख रहे हो कि अभी हमारा रास्ता ना एकदम कठिनाइयों से भरने वाला है, और गाइस मेरे आगे में कितने बड़े बड़े ना ट्री है इतना एकदम प्यारे प्यारे। तो हाँ मेरे को ना ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ हमारे ना हमारे बगीचे में या हमारे रास्तों में ना ट्री है। तो गाइस अभी जैसे कि देख रहे हो एक और पत्थर आ चुका, मेरे को एकदम धीरे धीरे से अपने ट्रैक्टर को ना भाई साहब लैंडिंग कराना है। तो हाँ अभी जैसा कि देख रहे हो कि गाइस यार हम ना एक विलेज में आ चुके हैं, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को इसी विलेज में अपने ट्रैक्टर को ना छोड़ कर आना है कि या नए विलेज में। तो गाइस यार जैसे कि देख रहे हो कि अभी हमारा रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट आने लग गया, तो मैं सबसे पहले ना रिवर्स लेता हूँ अपने ट्रैक्टर को, क्योंकि गाइस हमारा ना जो बंदा है ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि गाइस वो बोल रहा है कि ना रास्ते में तुम बिल्कुल भी नहीं चला रहे, एकदम ना अंटसंट जगह से चला रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मेरे को ना एकदम धीरे धीरे चलाना गाइस। और गाइस मेरे बगल में देख रहे हो कितने बड़े बड़े भाई सब पत्थर हैं, एकदम बहुत बड़े बड़े विशाल पर्वत है गाइस इसे देखा जाए तो हाँ मेरे को ना अभी ना यहाँ से एकदम ना यू टर्न लेना है। तो हाँ अब गाइस यार जैसे कि देख रहे हो कि मैंने आपको सही बताया था कि हमारा ना रूट काफ़ी ज़्यादा हार्ड आने वाला, और पहली चीज़ तो सिलेंडर है हमारे ना ट्रेलर में, तो और मिशन टफ आ सकता है। तो हाँ अभी गाइस देख रहे हो पलटते पलटते बच गया भाई, इन सब चीज़ों का ना मेरे को एकदम ध्यान रखना है। तो हाँ अभी गाइस जैसे कि देख रहे हो कि मैं एकदम ना बच चुका हूँ, तो मेरे को ना अभी ना यहाँ से ना एकदम स्ट्रेट जाना है, और ना स्पीड को ना काफ़ी ज़्यादा हाई रख लेता हूँ, क्योंकि गाइस अभी ना काफ़ी ज़्यादा ना लिमिटेड टाइम हो चुका है, यानी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो चुका है, तो मेरे को ना अब जल्दी से जल्दी अपने ट्रैक्टर को ना छोड़ कर आना पड़ेगा। तो गाइस यार जैसे कि देख रहे हो कि अभी भी हमें पता नहीं कि हमारा रास्ता अभी किधर है, तो हाँ मेरे को ना यहाँ से ना एकदम धीरे धीरे ना अभी है ना अपने ट्रैक्टर को ना लेफ्ट टर्न लेना है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ना अपने ना ट्रैक्टर को ना लेफ्ट टर्न ले लिया हूँ गाइस, और गाइस मैंने ना फाइनली अपने ना पैलेस पर आ चुका अपने पड़ोसी के घर, तो मेरे को यहाँ पे सिलेंडर को पैलेस करना है, और गाइस देखते हो कितना इनकम मिलने वाला अभी मेरे को। तो गाइस यार जैसे कि देख रहे हो अभी मेरे को 500 रुपीज़ मिला है, लेकिन मेरे को लगा था कि गाइस मेरे को 3-4 हज़ार रुपये मिलेगा, क्योंकि हम सिलेंडर को छोड़कर आ रहे इतने सारे सिलेंडर को, लेकिन गाइस अभी ना जो सोचा था वो काम नहीं हो पाया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।